हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर नेचर एंड एनिमल्स विद शेख अतीक। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ तनीशा नर्सरी फार्म में, जो बेस्ड है बनगांव कोलकाता में। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर सैफुल विश्वास जी है। दोस्तों ये सेकेंड टाइम मैं अभी इनका फार्म विजिट किया हूँ, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया है क्योंकि फलों का सीजन आ चुका है ठंडी में। जैसा आप देख सक रहे हैं दरख्त में काफी फल लगे हुए हैं और इस वीडियो में मेरे संग मिस्टर सैफुल विश्वास जी बने हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन देंगे इनके रिगार्डिंग। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस ठीक है। तो आपने मुझे इनवाइट किया है भाई? हाँ देखिए, हम पिछले बार जब आपको बुलाया था उस टाइम में हमारे पास फ्रूट नहीं था, फ्रूट्स नहीं था, सिर्फ पौधे के ऊपर वीडियो बना। ओके, लेकिन इस टाइम आपको बुलाया हूँ जो इसमें पौधे मतलब फ्रूट भरा हुआ, फ्रूट्स भरा हुआ। तो दोस्तों देखिए, ये फ्रूट्स के बारे में आप कह रहे हैं, ये बेरी का है। हाँ ये बेरी का है। ये माशाल्लाह देखिए, दरख्त में आप देख सकते हैं दोस्तों, फलों से ये लदा हुआ है भाई। इसके रिलेटेड फुल डिटेल्स दीजिए। ये बताइए ये कितने दिनों का ये दरख्त है? देखिए ये अभी एक साल का पौधे, एक साल का ये पौधा है और इसमें माशाल्लाह फल कितनी है? फल मिनिमम एक क्विंटल तक आ जाएगा, आप देख लीजिए। एक क्विंटल तक है। दोस्तों देखिए नजारा देखिए, पहले आप एक बार बैकग्राउंड भी देख लीजिए, सभी में बेरी लगा हुआ है और माशाल्लाह काफी बल्क में है। आप देख सकते हैं काफी घनघोर फल आया है भाई। इसका मेंटेनेंस बताइए। देखिए अगर कोई किसान या कोई नर्सरी वाला इसको एक बार करना चाहता है, किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। किसान के लिए? हाँ, किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे फायदा मतलब भाई? देखिए अगर एक बीघा में, हमारा चार बीघा का हिसाब होता है, एक बीघा में मिनिमम आपको साल में खर्चा निकल के 2 से 3 लाख रुपया बचेगा। 2 से 3 लाख रुपया बचेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कितने बीघा पर है? ये मिनिमम आप इधर देख लीजिए 2 बीघा पे है। 2 बीघा पर है, 2 बीघा। अच्छा ये बताइए इसका ग्रोथ कैसा होता है? मींस इसमें कोई अगर नुकसान वगैरह के बात की जाए? नुकसान वगैरह कोई बात नहीं, जिस टाइम फूल आएगा उस टाइम इसको स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे करना है, स्प्रे करना है, बाकी 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दो। अच्छा, फलों के टाइम देखा जाए वो भी 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दो। ओके, तो कोई खराबी नहीं आएगी। तो ये पूरा अभी रेडी है। ये साइज वाइज अगर बात करें, कैमरा में दिखाएं, ये साइज और थोड़ा बढ़ेगा भाई? हाँ, और थोड़ा मोटा होगा। अभी इसमें मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ, अभी फल जो है ना मैच्योरिटी पूरा रेडी नहीं है, नहीं, तोड़ने का वक्त अभी नहीं है, अभी कुछ दिन और है इसपे, कुछ दिन और रुकना। ओके, सो ट्रांसपोर्ट करेंगे भाई? हाँ करेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा। होगा, और रेट वगैरह बताइएगा अभी या बाद में आप बताइएगा? हर टाइम तो एक ही रेट नहीं रहता। अच्छा, जिस टाइम जैसा रेट चलेगा, जो किसान वाला या नर्सरी वाला को पौधे की जरूरत पड़ेगा, उसी हिसाब से उस टाइम रेट करके उनके साथ डील हो जाएगा। नर्सरी वाला मींस आप फार्मर के लिए कम करिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कम करेंगे। सो दोस्तों देखिए, आप जैसे इन्होंने कहा कि फार्मर्स के लिए कम रहेगा, और जो भाई बाहर से आपको फोन करेंगे आप गाइड कीजिएगा, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भरपूर कर दूंगा, जो भी मदद चाहिए मदद आप कीजिएगा। और ये बताइए इसमें जैसा मेंटेनेंस पे मैं बात करना चाहूंगा, मेंटेनेंस किसका, ये क्या ज्यादा करना पड़ता है इसपे? नहीं उतना कोई खास नहीं, खास नहीं है, इजी मेंटेनेंस है। ओके, सो दोस्तों देखिए इनका नंबर वही सेम पुराना रहेगा, स्क्रीन पर नंबर है और पहले मैंने करीबन 12 वीडियो इनके संग किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तनीशा नर्सरी फार्म के नाम से है, वहां जाइए सारा वीडियो देखिए। और ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।